बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, बोले श्री सीतापति की। हाँ देखो, हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा कल से शुरू हो जाएगी। हम लोग श्री अद्वैत प्रभु के चरण में आए, क्योंकि इन्होंने ही, आप लोग श्रवण कर रहे थे, इन्होंने ही श्रीमद महाप्रभु को जगत में बुलाया। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर कीर्तन लिखते हैं, बोले एल गौर रस नदी काल बिनी होइ, पासाई लगौर देश प्रेम वृष्टि दिए। उसमें एक उदाहरण देते हैं, ओड़ो ओड़ो सबसे आइल श्री अद्वैत चात्र जल रस धारा चाहे राय रामान। उदाहरण देते हैं, उड़ो उड़ो शब्द आइल श्री अद्वैत, उड़ उड़ समझते हो, ये बंगला शब्द है। उड़ उड़ मतलब होता है आकाश में कुछ भी नहीं, हठात आकाश एकदम काली मेघ में छा गया और ऐसे बारिश हुई संपूर्ण भिगा दिया। इसलिए से उदाहरण देते हैं श्री अद्वैत आचार्य के लिए, इसलिए श्री अद्वैत आचार्य को ये गुरु गुरु शब्द आयल श्री अद्वैत। इसलिए इन्होंने श्रीमद महाप्रभु को कैसे बुलाया और महाप्रभु को बुला कर उन्होंने कृष्ण प्रेम भक्ति रस में कैसे सबको सराबोर कर दिया। देखो आज जो हम विश्व ब्रह्मांड हम एकत्रित हैं, किसके कारण है? इनके कारण। अब कहां से? जय गुरु। तुम कहां से? कहां से? एक ऑस्ट्रेलिया से और एक कहां से? चाइना से, कोई रशिया से, कोई इंडिया से। क्यों? इनके कारण। देखो जिस समय श्रीमान महाप्रभु अपना प्रकाश किया और उन्होंने अद्वैत आचार्य को बुलाया, जब अद्वैत आचार्य को पता चला ये कौन है जिनके लिए मैंने कठोर साधन भजन किया है, जिनको गुनाने के लिए उनको नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो। अद्वैत आचार्य श्रीमन महाप्रभु इसी श्लोक को द्वारा अपने चरण की वंदना की। अभी वंदना की तो स्वयं कृष्ण, अभी श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बताओ अभी तुम क्यों मेरे को बुलाया और तुम क्या चाहते हो वर मांगकर से। देखो अद्वैत आचार्य क्या वर मांग रहे हैं, आज हम जो यहाँ पर है ना केवल अद्वैत आचार्य की वजह से। इन्होंने क्या बोल क्या मांगी, बोले हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो, अगर हमें कुछ देना चाहते हो, आप इसी जगत के लिए जिस कारण के लिए आए हो, बोले किस कारण के लिए महाप्रभु जगत में आए। कल हम सुन रहे थे ना अद्वैत आचार्य के महाविष्णु, इसलिए कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है ना, हे मान गौरांग बिना नाही यार है ना अवतार, हवे के होए छे है ना प्रेम वरचार, आदुर मती अति पतित पासनी प्राणी ना कहती ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो मेरे प्रभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने श्री महाप्रभु को बुलाया, इसलिए श्री अद्वैत आचार्य को जब महाप्रभु बोले वर मांगो, उन्होंने यही वर मांगे, हे प्रभु आप जिस कारण के लिए यहाँ पर आए हो, जैसे वो प्रेम को अपने कोई विचार नहीं करना, ये कौन सा जाति की, ये कौन सा जाति की, ये कहां से आए, ये कहां से आए, अब विचार नहीं करना, बगैर विचार के ये दुर्लभ प्रेम आप सबको प्रदान करना। कहते किसके कारण है, बोले श्री अद्वैत आचार्य की, उन्होंने महाप्रभु से यही उन्होंने वरदान मांगे थे। इसलिए बहुत लेट हो गया है, हम लोग इतने और कहीं बैठे महाराज जी और
शांतिपुर शिव दत्ताचार्य जी का जन्म स्थान दर्शन।